हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल द इंग्लिश आउल। आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं RIE के बारे में। अब ये RIE क्या है, इतने सारे हमने देख लिया, बीएड के प्रोग्राम्स है, बीएड अलग अलग कॉलेजेस में होता है। सो ऐसे ही जो हमारा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, एक होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। जो लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके अंदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आता है जो बीएड कराता है, ये हमने बीएड वाले में डिस्कस किया था। अगर हम बात करें RIE की, तो RIE जो है वो है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि बीएड ऑर्गेनाइज कराता है। और ये जो बीएड है इसको हम कहेंगे इंटीग्रेटेड बीएड। इसके अलावा ये बीएड का जो नॉर्मल कोर्स है 2 साल वाला, वो भी कराता है, और भी बाकी सारे कोर्सेज कराता है जो एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं। अब देख लेते हैं कौन से कोर्सेज हैं जो ये ऑर्गेनाइज कराते हैं। पहली तो थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन क्या है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इज लोकेटेड इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। NCERT के अंदर आता है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। एक्चुअली अगर हम NCERT की बात करें ना, तो NCERT के आप लोग बुक्स यूज करते हो, ठीक है, ऐसे ही NCERT के करता है वो ट्रेनिंग भी करवाता है। एक तो हमें पता है कि NCERT की बुक्स आती हैं, ठीक है, और दूसरा NCERT टीचर्स की ट्रेनिंग करता है, और उस ट्रेनिंग के लिए कुछ कॉलेजेस हैं जो कि NCERT के अंडर आते हैं। उसके अंदर एक तो आ जाता है आपका CIE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और उसके अंदर एक कैटेगरी आ जाती है RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अगर हम बात करें सेंट्रल की, तो इंडिया के सेंट्रल पे क्या आता है, दिल्ली, तो CIE तो दिल्ली में है। अगर हम बात करें रीजनल इंस्टीट्यूट की, तो इसके 4 सेंटर्स हैं, जैसे कि एक है अजमेर में, एक है भुवनेश्वर में, एक है भोपाल में, एक है मैसूर में, और एक है शिलोंग में। तो ये कुछ सेंटर्स हैं जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के हैं, जो जहाँ पर आपकी टीचर ट्रेनिंग होती है। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ RIE इज टू डेवलप एंड डिसेमिनेट इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस एंड टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग इन द इन सर्विस एंड प्री सर्विस। जब आप बात करो इन सर्विस की, तो ये वो टीचर्स हैं जो टीचर्स बन चुके हैं और आगे ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे डॉक्टर्स के केस में भी होता है कि डॉक्टर बनने के बाद भी आपको काफी सारी चीजें सीखनी पड़ती है। सो ये वो टीचर्स होते हैं जो इन सर्विस, मतलब अभी वो टीचर्स हैं पर उनकी ट्रेनिंग हो रही है। और कुछ होती है प्री सर्विस, जैसे आप लोग जो बीएड के लिए अप्लाई करोगे, आप लोग प्री सर्विस हो, तो प्री सर्विस मतलब पहले टीचर बनने से पहले की जो ट्रेनिंग होती है। सो ये जो है आपका RIE, ये प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर्स दोनों की ट्रेनिंग करता है। मैंने आपको बताया इसके अंदर कुछ सेंटर्स आते हैं। और अगर हम बात करें कोर्सेज की, तो अगर आज हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड बीएड की, तो आप देखो आप लोग जो है इंटीग्रेटेड बीएड से क्या समझते हो। जब हम लोग बैचलर्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है, मान लो कि मैंने बैचलर्स इन साइंस कर लिया, BSc, अब BSc कितने साल की होती है, 3 ईयर्स की। और अगर हम बात करें बीएड की, तो बीएड का कोर्स होता है 2 साल का। तो जब बच्चा इतनी पढ़ाई करता है, तो उसके 5 ईयर्स चले जाते हैं। तो इससे बेटर ये है, अगर आपको टीचर ही बनना है, तो क्यों ना हम इसको इंटीग्रेट कर दें। तो वहां से ये टर्म आई इंटीग्रेटेड वाला। और ऐसे ही जो बच्चे बीएससी, मतलब जिनके पास 12th में साइंस थी, उन्होंने क्या कर लिया, बीएससी बीएड। और अब ये 4-5 साल का होके 4 साल का कोर्स है। तो ऐसे 4 साल का कोर्स के अंदर आपको बीएससी के बारे में भी पढ़ाएंगे, बीएड के बारे में भी पढ़ाएंगे। तो जैसे मान लो आपको बीएससी लेवल पे जो साइंस में पढ़ाते हैं, उसी चीज को पढ़ाने के बाद वो आपको बताएंगे साइंस को बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो दोनों चीजें इकट्ठी। और अगर कोई मुझे बोले कि ये वाला ऑल्टरनेटिव बेटर है या ये वाला, आई वुड सजेस्ट ये वाला, बिकॉज नॉट ओनली आर यू सेविंग योर टाइम, यू आर ऑल्सो लर्निंग हाउ टू बी अ टीचर। आप पढ़ भी रहे हो, साथ में सीख रहे हो इसी चीज को पढ़ाना कैसे है। तो आई थिंक ये वाली चीज बहुत बढ़िया है। अगर आपका प्लान है कि 12th के बाद मुझे टीचर ही बनना है, देन ऑप्ट फॉर दिस, ठीक है। बीए बीएड की अगर हम बात करें, तो बीए बीएड 4 साल का है। इसके अंदर वो बच्चे आते हैं जिनके पास 12th में ह्यूमैनिटीज था, तो बीए बीएड। ऐसे और भी कोर्सेज हैं जैसे कि एमएससी बीएड, बीएड और एमएड, ये वाले कोर्सेज भी आरआईई आपका कराता है, लेकिन हम खाली बीएड का सेक्शन डील कर रहे हैं। और बीएड के अंदर इंटीग्रेटेड बीएड का टॉपिक आज होगा डिस्कस। मैं एक और वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए, जिसमें जिन लोगों को बीएड करना है RIE से, उन लोगों के बारे में मैं बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को करना होगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपको किस तरह से गाइडेंस चाहिए, मैं सब उसके बारे में डिस्कस करूंगी एक और वीडियो में। मैसूर, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और शिलोंग,
ये जो पांच एरियाज हैं, आपको ये ध्यान से देखना है कि मैं कौन से एरिया ऑफ RIE में जा सकती हूँ। इसका मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं आप लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आप खाली इसी वाले RIE में जा सकते हो। अगर आप गुजरात में बिलोंग करते हो तो आप ये वाला ही, मतलब मैं अगर दिल्ली में रहती हूँ तो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली कौन से वाले में आता है, अजमेर, तो मैं RIE अजमेर का पेपर दूंगी और जितनी सीट इसके अंदर है मैं उनके लिए एप्लीकेबल हूँ। मतलब मेरे लिए इसका 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 और इसका कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए खाली क्या है, RIE अजमेर। सिमिलरली आप अपना एरिया देखो और देखो कुछ ऐसे ऐसी जगहें हैं, जैसे मैंने एक जो जगह देखा, जैसे यहाँ पर भी कश्मीर है, इस साइड भी कश्मीर है, मतलब कुछ बच्चों के लिए फायदा है क्योंकि कुछ स्टेट्स कहीं पे कॉमन है तो वो लोग दो RIE में अप्लाई कर सकते हो, तो आपके नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिखा है एक और चीज है RIE में जिसका नाम है परम स्कूल फॉर टीचर एजुकेशन। अब ये जो है ये क्या कर आते हैं, BSc BEd, और यहाँ पे BSc BEd की अगर मैं बात करूं तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाली फील्ड से बिलोंग करते हैं, मतलब ट्वेल्थ में उन्होंने क्या पढ़ी थी, नॉन मेड, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। और कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास होती है बायो केमिस्ट्री और उनके अलावा उनके पास होता है फिजिक्स, तो ऐसे दो तरह के ग्रुप्स बनते हैं, एक वो बच्चे जो बायोलॉजिकल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और एक वो बच्चे जो बिलोंग करते हैं फिजिकल कैटेगरी को। आपको देखना है मैं कौन से वाले के लिए एप्लीकेबल हूँ, तो अगर आपने ट्वेल्थ में ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो आप बायोलॉजिकल वाली कैटेगरी में आते हो, और अगर आपके पास फिजिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। और जो बच्चे BSc के नहीं है वो सारे किसके लिए अप्लाई करेंगे, BA BEd के लिए। ठीक है, और फॉर BSc एंड BA BEd स्टूडेंट्स फॉर ऑल द स्टेट्स कैन अप्लाई। मैंने बोला था RIE में आप लोग इस चीज को देखकर जाओगे, मतलब मैं अगर दिल्ली में हूं तो मैं ये और ये फिल नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की तो परम स्कूल में सारे स्टेट्स एप्लीकेबल हैं, यहाँ पर आप सारे लोग एप्लीकेबल हो, चाहे आप किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया को बिलोंग करते हो आप ये सारे कोर्सेज वहां से कर सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी किसी भी पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं, सो यू आर एलिजिबल और नॉट वो हम यहाँ देख लेते हैं। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द फिजिकल साइंस, मैंने कहा था ना दो ग्रुप्स हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल, तो फिजिकल वाले बच्चों के पास क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और अगर हम बात करें बायोलॉजिकल की तो PCB होता है उनके पास। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड प्लस टू मतलब 10th के बाद, प्लस टू का मतलब 12th करी होनी चाहिए, हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी से, ये बात हो रही है इंटीग्रेटेड बीएड वाले बच्चों के लिए जिन्होंने अभी बैचलर्स नहीं करी, तो उनका ये इंपॉर्टेंट है कि 10+2 उनका कंप्लीट होना चाहिए जिसमें उनके एटलीस्ट 50% मार्क्स आने चाहिए, और PWD EWS कैटेगरीज के लिए 5% का आप रिलैक्सेशन देख सकते हो, मतलब आप 45% पे भी एडमिशन ले सकते हो। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड प्लस टू सीनियर सेकेंडरी और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2019-20 या अगर आप अपीयर कर रहे हो तो आप भी एप्लीकेबल हो। ठीक है, कई जगहों पे क्या होता है खाली 10th तक पढ़ाई होती है और उसके बाद एक कोर्स आ जाता है बीच में जो आप करके आपका प्लस टू ईयर्स हो जाते हैं, तो आपने या तो 10+2 मतलब 12th क्लास तक पढ़ाई करी है या उसी के इक्विवेलेंट कोई कोर्स करा हुआ है ताकि आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। एलिजिबिलिटी फॉर BA BEd, हमने BSc BEd का डिस्कस कर लिया, सिमिलरली इसकी भी एलिजिबिलिटी यही सेम रहती है कि आपके क्लास 12th के अंदर 50% मार्क्स आए हो, 5% रिलैक्सेशन होगा SC ST और PWD कैटेगरीज के लिए। कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, ये सारे जो लोग हैं जो साइंस के हैं या मैथ्स के हैं ये भी अप्लाई कर सकते हैं विद अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% फॉर SC ST और PWD। PWD क्या होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, EW सबको पता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार एलिजिबिलिटी की, BEd की एलिजिबिलिटी की एक अलग से वीडियो में बनाऊंगी, वहां पर आप इसको देख लेना ताकि आपको डिटेल में समझ आए उसमें क्या है। एग्जाम पैटर्न, चाहे आप BEd दे रहे हो, BSc BEd कर रहे हो, BA BEd कर रहे हो, MEd कर रहे हो, किसी भी तरह के एजुकेशन के कोर्स में हो, आपके लिए क्या जरूरी है कि आपको तीन एरियाज की प्रिपरेशन करनी है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। और ये जो लैंग्वेज टीचिंग एप्टीट्यूड की है ना, एक बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ आगे, इसके बारे में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के आपको पेपर में 20
क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और रीजनिंग के आपको पेपर में 30 क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली इसके भी आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो कुल मिला के आपके कितने क्वेश्चंस हो गए, 30 + 30 + 20 80 क्वेश्चंस। पूरे पेपर में 80 क्वेश्चन आपके होंगे। मीडियम रहेगा आपका पेपर का इंग्लिश और हिंदी। इसके अलावा जिन बच्चों ने अलग लैंग्वेज चूज करी है वो वाली चीज भी होगी। करेक्ट आंसर देने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे और गलत आंसर देने पर आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से लगाना, इफ यू आर वेरी श्योर कि मुझे यही आंसर लगाना है तभी लगाना, वरना मत लगाना। और अगर आप सिर्फ 40 से 50 क्वेश्चन सही लगाकर आते हो, आई गारंटी यू कि आपकी सीट वहां पे पक्की है, ठीक है, पर 40 सही होने चाहिए, बिल्कुल सही। अगर हम देखें टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 120 मिनट्स रहने वाले हैं, ठीक है, तो 2 घंटे का एग्जाम होगा। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, 3 एरिया से क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से यहाँ पर 20 क्वेश्चंस, यहाँ पर 30 क्वेश्चंस और यहाँ पर 30 क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी है तो ट्राई टू डू इट अर्ली, बिकॉज आपके पास 2 और सेक्शंस हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड का एरिया ज्यादा बेटर है आपके लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको आगे जाके टीचर बनना है। अगर कहीं पर टाई ब्रेकर हो जाता है मेरिट लिस्ट में, आपका कहीं टाई ब्रेकर हो गया, जैसे 2 बच्चे हैं ए एंड बी, अगर कभी 2 बच्चों के बीच में टाई हो गया, उनका मेरिट लिस्ट में सेम नंबर आ रहे हैं, तो वो देखेंगे कि किसके टीचिंग एप्टीट्यूड में ज्यादा नंबर थे। तो मैं आपको यही स्टार्टिंग में बता रही थी कि टीचिंग एप्टीट्यूड पे ध्यान ज्यादा देना, बिकॉज यहाँ पर अगर टाई हो गया तो आपको फिर इस हिसाब से कॉलेज वाले लेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हमारा जो चैनल है द इंग्लिश आउल, आपको इसके अंदर से काफ़ी सारे टॉपिक्स वहीं मिल जाएंगे, जैसे कि एंटोनिम्स, इडियम्स, प्रेपोजिशंस, टेंसेज, आर्टिकल्स, ग्रामर, ये जिसमें सिनोनिम्स आते हैं, सीक्वेंसिंग। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ दीज टॉपिक्स आर कवर्ड इन आर यूट्यूब चैनल, आप उसको जाके देख लो और ऐसी बुक्स लो जिनके अंदर ये टॉपिक्स कवर होते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी। अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, सो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कोर्स है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट ऑन द चैनल। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि जैसे अलग अलग बीएड एग्जाम्स में आते हैं, बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं उस हिसाब से कि एक टीचर होने के नाते आप कैसे डिसीजन लोगे, और ये चीज जो है ना ये प्रैक्टिस से आती है, तो इसका एक बार हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर से क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, इंटरेस्ट इन टीचिंग। इसमें से एक बार एक क्वेश्चन आया था कि एक बार एक टीचर है और टीचर को 2 बच्चों के बीच में बताना है कि कौन सा बेटर है, एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है और एक बच्चा एजुकेशन में अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, तो आप बताओ एज अ टीचर आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, पहले वाले को या दूसरे वाले को। तो इस तरह से डिलेमास दे देंगे, कंफ्यूजन दे देंगे, सिचुएशन दे देंगे, आपको अपनी टीचिंग एबिलिटी के हिसाब से आंसर लगाना होगा। लीडरशिप क्वालिटीज देखी जाती हैं, आपका इमोशनल सोशल एडजस्टमेंट कैसे वो देखा जाता है, जनरल अवेयरनेस ऑफ द वेरियस इश्यूज, जैसे अलग अलग जो स्कीम्स आती हैं एजुकेशन की, बेसिक एजुकेशन स्कीम थी वो कब आई थी, किसने इम्प्लीमेंट की थी, उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें उसमें से भी आ जाती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी, हमारा चैनल अगेन जो इंग्लिश आउल है उस पर काफ़ी सारी रीजनिंग की जो चीज़ें हैं, जैसे सिलॉजिज्म और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, जंबलिंग, एनालॉगी, वन ऑड वन आउट, ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। सो चैनल पर जाओ, एक एक करके चीज़ें देखो, एक बार बस प्रैक्टिस हो जाए और अलग अलग बुक्स आपको मिल जाएंगी मार्केट में, प्रैक्टिस करते रहना, आपका रीजनिंग एबिलिटी भी बहुत आसानी से हो जाएगा। जिन बच्चों के लिए रीजनिंग एबिलिटी आसान है वो अपनी लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं, बट टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आई थिंक सबको काम करना है, बिकॉज आपके लिए सब्जेक्ट नया है एंड मैंने आपको बताया कि मेरिट लिस्ट बनाते टाइम इस पर ध्यान दिया जाएगा, सो आप लोग देख लेना उसको एक बार। और अगर आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्लासेस चाहिए सो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, आपको पता है क्या करना है, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।